बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। इंडिया के पहले रैपर रियलिटी शो एमटीवी हसल का ग्रैंड फिनाले हुआ है। इस रैप शो के पहले सीजन के विनर का खिताब लुधियाना के दीपक सिंह उर्फ एमजी बेला ने जीता। वहीं कोलकाता के ईपीआर उर्फ संथानम फर्स्ट रनर अप बने। एमजी बेला ने शुरुआत से ही अपने रैपिंग स्टाइल और लिरिक्स के इमोशनल टच से जजेस समेत सभी दर्शकों को काफी इम्प्रेस किया। भारत का सबसे पहला रैप शो जीतने पर एमजी बेला काफी खुश है। बेला ने अपनी जीत पर बात करते हुए कहा, मेरा एक्सपीरियंस काफी शानदार रहा। एमटीवी हसल का विनर बनने पर मैं काफी खुश हूँ। मेरे कुछ सपने थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था। मैं अपनी जीत का श्रेय अपनी माँ को देना चाहता हूँ। मेरी माँ कविताएं लिखती हैं, लेकिन उन्हें कभी अपने हुनर को सामने रखने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अपनी माँ से इंस्पायर होकर मैंने हमेशा अपने रैप को एक कविता का टच दिया है। एमजी बेला ने हसल के ग्रैंड फिनाले में कोई बात नहीं गाने से सभी को काफी इम्प्रेस किया। उनके एक एक वर्ड्स जजेस को काफी पसंद आए। ईपीआर और एमजी बेला के बीच में बहुत ही करीबी मुकाबला था और ईजी बेला का रैप भी काफी इम्प्रेसिव रहा। उन्होंने इंडिया में हो रही सभी प्रॉब्लम्स को कनेक्ट करते हुए अपने रैप से सभी को इम्प्रेस किया। इन दोनों के बीच का ये मुकाबला इतना करीबी था कि जजेस ने सिर्फ एक ही रीजन दिया कि आखिर क्यों वो एमजी बेला को ये ट्रॉफी दे रहे हैं, और रीजन ये था कि एमजी बेला की गाने के स्टाइल में क्लियरिटी है, वर्ड्स में क्लियरिटी है, लेकिन ईपीआर भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।